जब नीरज चोपड़ा गोल्ड जीते थे, मैं 100 खेल रही थी यूके में और मेरी मैच थी लाइक 15 मिनट्स में, मुझे जाना था पर मैं डिले करी और मैंने कॉल करके बोला कि थोड़ा सा 10 मिनट लेट आ रही क्योंकि उसका लास्ट प्रो चल रहा था। एंड जिस तरह से नेशनल एंथम बजा, इंडिया का फ्लैग, आई थिंक वो प्रीटी स्पेशल था। आई थिंक वो उस टाइम मेरे आंखों में काफ़ी थोड़ा सा आंसू टाइप आ गए थे, बट आज जब हुआ वो चीज़ सेम चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम सिर्फ गोल्ड के लिए मेहनत करते, जीतने के लिए मेहनत करते और वो हम जीते, बहुत खुशी है एंड बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत प्राउड फीलिंग है एंड थैंक्स टू इंडिया इतना सपोर्ट दिया एंड बस यही है। आई थिंक ओलंपिक में आएगा तो हम उसमें भी अपना पूरा जान लगा देंगे और बस यही है, गोल्ड जीतेंगे। Get a gold medal, especially in a stage like Asian Games, where the whole of Asia is competing, and to be representing India as an athlete and not just a cricketer is incredible. Convey my feelings as like goosebumps. Yeah, it's chilling to be standing there and with our national anthem playing, because it's a tribute to not just us, it's a tribute to our country. I'm grateful that I got the opportunity and I could make the best out of it. And when you got this total, you were confident that you will be able to defend? I guess the total wasn't that bad because the conditions were quite tricky and we were confident with our lineup that we will be able to hold the match. Well, I think बहुत special चीज़ है, मैंने ये चीज़ काफ़ी देखी है टीवी पे। आई थिंक जब नीरज चोपड़ा गोल्ड जीते थे, मैं 100 खेल रही थी यूके में और मेरी मैच थी लाइक 15 मिनट्स में, मुझे जाना था पर मैं डिले करी और मैंने कॉल करके बोला कि थोड़ा सा 10 मिनट लेट आ रही क्योंकि उसका लास्ट प्रो चल रहा था। एंड जिस तरह से नेशनल एंथम बजा, इंडिया का फ्लैग, आई थिंक वो प्रीटी स्पेशल था। आई थिंक वो उस टाइम मेरे आंखों में काफ़ी थोड़ा सा आंसू टाइप आ गए थे, बट आज जब हुआ वो चीज़ सेम चीज़ इंडिया का नेशनल एंथम बजा और अपना फ्लैग आया, थिंक प्रीटी स्पेशल फीलिंग। वो हमको ज़्यादा आती नहीं है एज क्रिकेटर, सो रियली हैप्पी दैट यू नो वी कुड कंट्रीब्यूट फॉर द मेडल टैली ऑफ इंडियन टीम। डेफिनेटली आई थिंक गोल्ड होता है, हमने काफ़ी बार वर्ल्ड कप्स में या टूर्नामेंट्स में पास में आके सेमी में या फाइनल्स में हम लोग यू नो हमारा बेस्ट नहीं दे पाए, तो रियली हैप्पी कि आज हम लोगों ने हमारा बेस्ट किया और यू नो गोल्ड में उसको कन्वर्ट किया।